मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे विल स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट 8th क्लास। चैप्टर फर्स्ट इज रेशनल नंबर्स। इसके पहले आपने क्लास 5th एंड 6th में रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इन सब नंबर्स के बारे में स्टडी की थी। आज हम अपने न्यू चैप्टर रेशनल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या होता है? रेशनल नंबर्स क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर p अपॉन q के फॉर्म में हो, कोई भी नंबर p अपॉन q के फॉर्म में हो, p अपॉन q के अपॉन मतलब फ्रैक्शंस के रूप में हो, कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शंस के रूप में हो तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं रेशनल नंबर्स। p अपॉन q के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे 2/3, 4/3, 7/8, इस प्रकार कोई भी नंबर फ्रैक्शंस के रूप में हो तो उन्हें क्या कहेंगे हम रेशनल नंबर्स। अगर वो माइनस में भी हो तो भी हम उन्हें कहेंगे रेशनल नंबर, -7/3, -9/3। अगर आपका कोई भी नंबर इस प्रकार फ्रैक्शंस के रूप में हो तो उन्हें क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ मैंने लिखा है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू क्या होता है? डिनोमीटर। अगर डिनोमीटर जीरो आ गया, मैंने लिखा 2/0, तो ये जीरो है, मतलब ये रेशनल नंबर्स नहीं कहलाएगा। कोई भी फ्रैक्शन में डिनोमीटर होता है वो जीरो आ गया तो वो रेशनल नंबर्स नहीं कहलाएगा। लेकिन न्यूमरेटर जीरो है, 0/1 लिख सकते हैं, अपन 1 लिख दिया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0 नहीं है और 1 है, ऊपर 0 है और नीचे 1 है, तो वो रेशनल नंबर कहना चाहिए। आपके लिए सिर्फ जो डिनोमीटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। 0/1, 0/25, 0/30, ये सभी क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। और रेशनल नंबर को हम लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो आपको अगर कोई पूछे कि व्हाट इज रेशनल नंबर, तो आप कह सकते हैं कि रेशनल नंबर इज पी अपॉन क्यू या क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो क्या होता है? रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपके रेशनल नंबर्स के बारे में हो गया। अब हम रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टीज़। आपकी बुक में फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टीज क्या होती है? अगर हम किसी नंबर्स को ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसी नंबर्स को अगर वही एक ही नंबर्स को हम सब कुछ करते हैं तो क्या वही आंसर आता है या अलग अलग आंसर आता है? देखिए, सबसे पहले जो नॉर्मल नंबर होता है जिसके हम करते हैं 7+2 कितना होगा? 9 होगा। अब हम बात करते हैं 7-2 करेंगे तो 7-2 जाएंगे तो क्या बचेगा आपके लिए? 5 बचेगा। यह हम नॉर्मल नंबर करते हैं, लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स की बात करते हैं, देखिए a+a/b+b/c। तो हमने दो रेशनल नंबर लिए, 1/2/3 + 7/3। हम इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ऐड किस प्रकार करो? कोई भी अगर फ्रैक्शंस के रूप में होता है, कोई भी नंबर फ्रैक्शंस के रूप में होता है, क्या करते हैं हम? एलसीएम लेके उसका ऐड करते हैं। तो जो डिनोमीटर होता है उसका एलसीएम कितना है? यहाँ पर दोनों तरफ इक्वल है, 3/3, तो एलसीएम कितना होगा? 3 होगा। 3 से अब ऐड करने के लिए 3/3 का डिवाइड करते हैं, 3/3 का डिवाइड करते हैं कितना बचेगा? 1। अब जो आंसर आया 1, उसका मल्टीप्लाई हम 2 में करते हैं, 2×1=2। इसी प्रकार 3/3 का डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई हम 7 में करेंगे तो 7×1=7, 7+2 9 और अपॉन में 3। तो देखिए, इसका कहने का यह मतलब है कि हमने एक रेशनल नंबर्स को ऐड किया तो हमारे पास आंसर भी क्या आया? एक रेशनल नंबर्स ही आया। ठीक है, हमने एक रेशनल नंबर्स को ऐड किया तो हमारे पास आंसर भी किस रूप में आया? रेशनल नंबर्स के रूप में ही आया। इसी प्रकार हमने पहले ऐड किया था, अब क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5/3 और 7/3। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर एलसीएम लेके सब्ट्रैक्टिंग किया था, उसी प्रकार ऐड किया था, उसी प्रकार हम यहाँ पर भी एलसीएम लेके सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। और 3/3 का एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा। 3 से ये 3 डिवाइड हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1। 1 का 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे, 5×5, 3 से 3 कट जाएगा, 1 आएगा, और 7 का वापस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7×7,
तो 5 में से 7 रह गए तो बचेगा 2। यहाँ पर नंबर 7 बड़ा है और उसके ऊपर माइनस का साइन है, इसलिए -2/2। देखिए हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग किया और रेशनल नंबर्स लिया तो आंसर भी किस रूप में आया, रेशनल नंबर्स के रूप में आया। इसी प्रकार मल्टीप्लाई में भी यही होगा, 4/7 और 2/3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 और 7 3 21। इसमें भी हमने रेशनल नंबर लिया तो आंसर कितना आया, रेशनल नंबर ही आया। अब डिवाइड में क्या होता है, 7/2 और 13/2। अब इसका डिवाइड देखिए, डिवाइड में अगर कोई रेशनल नंबर है तो देखिए ये 13/2 है तो जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है और जो न्यूमरेटर होता है वो डिवाइड में चला जाता है। मतलब हम इन नंबर को उल्टा कर देंगे, 13/2 है तो 2/13 कर देंगे। जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा, जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो 7/13 आएगा। कितना आएगा, 7/13। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, ऐड करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, डिवाइड करने पर इनका आंसर भी क्या आता है, एक रेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्या है क्यूमिटेटिव? अब इसमें क्या होता है, जैसे कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, हम एग्जांपल के रूप में समझते हैं 7+3 और 7+3 इक्वल टू 3+7। मतलब इन्हीं नंबर को आगे पीछे करके अगर एड करते तो क्या अलग अलग नंबर आएंगे। देखिए 7+3 तो कितना आया, 10। अगर हम इन्हीं नंबर को 3+7 करके एड करेंगे तो भी आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें ऐड करने पर भी क्या आएगा, नंबर सेम आएगा। ये हमने अभी नॉर्मल नंबर लिए। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। हमने 7/2 + 6/2 लिया तो 2 और 2 का एलसीएम किस प्रकार से हमने, इस प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हमने इसके पहले वाले बताया था मैंने कि 2 और 2 को एलसीएम लेंगे। 2 से 2 का डिवाइड करते हैं, 2 से 2 का डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई अपन 7 में करेंगे, 7 1 7। इसी प्रकार 2 और 2 का डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। उस 1 का मल्टीप्लाई अपन 6 में करेंगे, 6 1 6 तो 7 और 6 30/2। अब देखिए 7/2 + 6/2 किया था अपन ने, तो अब इस नंबर को आगे पीछे करेंगे तो 6/2 + 7/2। जिस प्रकार से ये वाला ऐड किया उसी प्रकार से ये भी ऐड होगा। ठीक है, तो आंसर देखिए सेम ही आया। ठीक है, तो क्यूमिलेटिव प्रॉपर्टी में जो फर्स्ट आपका इसमें बुक में दे रखा है, इसमें नॉर्मल नंबर दे रखा है 0+7 किया और 7+0, 0+7 किया तब भी 7 आएगा और 7+0 किया तब भी 7 ही आएगा। तो एडिशनल इज कम्युनिटी, मतलब इस एड में ये जो क्यूमिलेटिव प्रॉपर्टी है वो लागू हो जाएगी। अब है सब्ट्रैक्टिंग, अब करेंगे सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग में भी यही a-b और b-a, मतलब 7 में से 3 कम करेंगे और 3 में से 7 कम करेंगे तो 7 में 3 जाएगा तो 4 बचेगा और 3 में 7 जाएगा तो -4। -4 किससे आएगा, 7 में 3 जाएगा तो 4 ही बचेगा, लेकिन नंबर्स कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है तो उस पर साइन कौन सा आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो इसमें जो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी वो लागू नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि हम अगर नंबर्स को एक्सचेंज करते हैं तो इक्वल नहीं आते। यहाँ 4 आया और यहाँ पे -4 आया। ठीक है, देखो 7 में से 3 कम किया तो 4 आया था और 3 में से 7 कम करे, अब यहाँ पर जो बड़ा नंबर है वो पीछे लिखा हुआ है तो माइनस का साइड आएगा तो दोनों इक्वल नहीं आएंगे। मतलब अब नॉर्मल नंबर इक्वल नहीं आए यहाँ तो जो अपन रेशनल नंबर वो भी इक्वल नहीं आएंगे। तो जो सब्ट्रैक्टिंग में सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब इसमें ये लागू नहीं हो रहा है। थर्ड है आपका मल्टीप्लिकेशन। देखो a इंटू बी और b इंटू ए, तो 11 में 3 का मल्टीप्लाई करें, 11 3 जा 33 और 3 में फिर 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 11 का तो 3 1 जा 3 3 1 जा 3, तो मल्टीप्लिकेशन में भी इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो आपकी बुक में दे रखा है मल्टीप्लिकेशन इज क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब एडिंग में और मल्टीप्लीकेशन में दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं लेकिन सब्ट्रैक्ट में इक्वल नहीं आ रहे। अब लास्ट आपका डिवाइड, a माइनस बी और b माइनस ए, तो 4/2 और 2/4, तो 2 1 2 2 2 4 और 4 का अगर 2 में डिवाइड करते हैं 0 पॉइंट, मतलब दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं ये भी। तो ये
डिवाइड में भी क्या होगा, डिवीजन में भी इज नॉट क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज। तो सिर्फ किस में हो रहा है, एड में हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन में इक्वल आ रहा है, लेकिन सबट्रैक्टिंग और डिवाइड में इक्वल नहीं आ रहे। ठीक है, अब हम अगली प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज से पहले हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, अब देखिए हमने जो इसमें इसके पहले वाले में पढ़ा क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा था हमने कि दो नंबर्स को ऐड करेंगे और वापस उन्हीं नंबर को वापस अपोजिट साइड करके ऐड करते हैं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, तो आपको मल्टीप्लिकेशन और एड में तो इक्वल हो रहा है लेकिन सब्ट्रैक्ट और डिवाइड में इक्वल नहीं होना है। अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तो एसोसिएटिव में ए प्लस बी प्लस सी, अब इसमें हम बी प्लस सी को पहले ऐड करते हैं और इक्वल के इधर ए प्लस बी को पहले इक्वल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए 2 + 7 + 4, तो 7 + 4 को हमने कोष्टक में लिखा 2 + 7 + 4, तो इसमें हमने 2 + 7 को कोष्टक में लिखा। अब हम बोडमॉस का नियम जानते हैं कि बोडमॉस में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट में क्या है 7 + 4 कितना हुआ 11 और 2 एसीटी लिखा हमने, 2 + 7 9 और प्लस 4 11 और 2 13, 9 और 4 13। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पहला जो एडिशन है वो प्रूफ हो रहा है, ट्रू है, मतलब दोनों क्या आएगा इक्वल आएगा। अब सब्ट्रैक्टिंग बात करते हैं अपन, 7 - 4 - 8, तो हमने ब्रैकेट में क्या लिखा 4 - 8 और 7 - 4 - 8, तो ब्रैकेट में लिखा 7 - 4। अब 4 में से 8 जाएंगे, 4 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेगा, लेकिन नंबर्स कौन सा बड़ा है 8 बड़ा है और उस पर साइन कौन सा माइनस का, इसलिए काय का आएगा माइनस का आएगा। अब 7 में 4 जाएंगे तो 3 बचेगा और 8 इजी टीज। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, तो 7 और 4 11 और 3 में से 8 जाएंगे तो 8 में 3 जाएंगे तो बचेगा 5। नंबर्स 8 बड़ा है उसके ऊपर माइनस का साइन है इसलिए माइनस का 5। ठीक है, तो देखिए 8 का अपन ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में दोनों इक्वल आया, सबट्रैक्टिंग में दोनों इक्वल नहीं आया, मतलब ये ट्रू नहीं है। अब करते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन की बात। 7 × 2 × 4, तो 2 × 4 को ब्रेकेट में लिखा इक्वल टू 7 × 2 को ब्रेकेट में लिखा इंटू 4। अब देख 2 × 4 = 8, 7 × 2 = 14। अब आपके पास बचा इधर 7, इधर बचा 4, तो 7 × 8 = 56 और 14 × 4 = 56। मतलब मल्टीप्लिकेशन में ये ट्रू है, मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टीज ट्रू है। कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टीज ट्रू है लेकिन सबट्रैक्टिंग में ये ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करने पर दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन की पहले देखिए आपकी बुक्स में भी दे रखा है कि एडिशन में ये प्रॉपर्टी ट्रू है, सब्ट्रैक्टिंग में ट्रू नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में ट्रू है और इसी प्रकार डिवीजन में भी ट्रू नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम अपनी अगली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हमारी अगली प्रॉपर्टीज है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जैसे हमने कोई नंबर्स लिया है एग्जांपल के रूप में x + 5 और ब्रैकेट्स में x + 5 है, कोई भी नंबर्स हो सकता है और बाहर एक नंबर से, तो उस नंबर्स का मल्टीप्लाई हमें इस नंबर्स में भी करना है और इसका नंबर मल्टीप्लाई इस नंबर में भी करना है। आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, 7, 8 + 2, अगर इस प्रकार के आपको कोई नंबर्स या ब्रेकेट्स में नंबर आया भी, इस प्रकार की प्रॉपर्टीज पूछी और उसको सॉल्व करना है, तो देखिए 7 × 8 = 56 और 7 × 2 = 14। मतलब 7 का मल्टीप्लाई हमने 8 में भी किया और 7 का मल्टीप्लाई आपने 2 में भी किया, तो 7 × 8 = 56 और 7 × 2 = 14, तो आंसर कितना आया 15 और 14, कितना आया
15 प्लस 14 17, यह आपका क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। अब आप करते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे कि आपने कोई नंबर आया फ्रैक्शन के रूप में पी अपॉन क्यू, कोई नंबर्स पी अपॉन क्यू है तो उसको अपन अगर पॉजिटिव है तो उसको हम क्या कर देंगे नेगेटिव के रूप में। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई भी नंबर फ्रैक्शन के रूप में है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में पॉजिटिव है तो उसको हम क्या कर देंगे नेगेटिव, तो वो कहलाएगा अपन एडिटिव इनवर्स। जैसे 4/7 है, 4/7 कितना है पॉजिटिव है तो हम इसको क्या करते हैं -4/7, ठीक है। इसी प्रकार नेगेटिव है -7/3 है, -7/3 है तो उसको माइनस का है तो हम उसको प्लस का कर देंगे पॉजिटिव कर देंगे। तो अगर नेगेटिव नंबर से उसको पॉजिटिव किया और पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव किया तो ये हमारे क्या कहलाएगा एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, कोई भी नंबर इस प्रकार से पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो इसको अपोजिट करते हैं। अपोजिट मतलब जो डिनोमीटर है उसको न्यूमीटर में ले जाएंगे और जो न्यूमीटर है उसको हम डिनोमीटर में ले जाएंगे। जैसे पी अपॉन क्यू है तो हम इसको क्यू अपॉन पी कर देंगे, क्यू अपॉन पी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम अपन, 7/8 है, 7/8 तो इसको हम 8/7 कर देंगे, 7/8 है तो हम इसको 8/7 कर देंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारे कुछ चैप्टर फर्स्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट हुए। हम अपने अगले वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।